हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोल साइंस की फर्स्ट बुक का 6th चैप्टर जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ऊपर है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही विश्व के देशों में सहयोग और मेल मिलाप को बढ़ावा दे सके। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं वो विश्व में देशों के सहयोग और मेल मिलाप को बढ़ावा दे सकते हैं का मतलब है, यानी कि हमारे विश्व में जितने भी देश हैं उन सब में जो आपसी भाईचारा है, उनके बीच जो दोस्ती वोस्ती है, उसका जो काम है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखता है। उसके द्वारा ही सभी देशों में मेल मिलाप बना रहता है। सेकेंड पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही विश्व के देशों के आपसी वाद को हल करने व शांति की स्थापना करने तथा युद्ध को रोकने का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक काम यह भी होता है कि जो दो देश होते हैं उनके बीच अगर कोई विवाद है या फिर कोई युद्ध चल रहा है उसको रोकने का काम करता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके अलावा क्या है, विश्व के देशों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास करने के लिए सहायता करना। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वो सभी देशों को तीन रूपों में विकास करने के लिए कहते हैं या फिर वो प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया और राजनीतिक हो गया। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन चुनौतीपूर्ण मसलों जैसे कि वैश्विक ताप वृद्धि, महामारी, आतंकवाद इत्यादि के समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, जो हमारे विश्व की सी समस्याएं हैं जैसे कि वैश्विक ताप वृद्धि है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, हमारे विश्व पे जो हमारे विश्व का तापमान है वो बढ़ते जा रहा है। वो बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि हम जो पर्यावरण का हानि कर रहे हैं, पेड़ पौधों की काट रहे हैं, तो इसको जो रोकने का काम है, जिसको रोकने का काम है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ही है। ये बहुत सारे मुद्दों का हल दिखाई, जैसे कि महामारी हो गया, आतंकवाद हो गया, इन सब का खात्मा करने के लिए हम क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाते हैं। इसका अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों पर अंकुश लगाने के लिए काम आता है कौन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यानी कि जैसे कि मान लें पूरे विश्व में कोई देश है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझता है, तो उसको रोकने का जो काम करता है, उस पर जो अंकुश लगाने का काम करता है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन करते हैं। इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो हमारे विश्व के सभी देशों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये सभी देशों को बचा करके रखते हैं, उनके बीच शांति बना करके रखते हैं और उनके बीच जो लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं उसको रोकने का काम करते हैं। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर हम युद्ध देखते हैं तो उसको रोकने का काम भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही करता है। ऐसे ही विश्व में बहुत सारे देश हैं जिनके आपस में लड़ाई होती रहती है, तो उन सबको रोकने का काम किसका है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा परिषद क्या है, इसकी रचना व कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए सुरक्षा परिषद क्या है, सुरक्षा परिषद क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसके सदस्य देशों की संख्या 15 है, जिसमें से 5 स्थायी हैं और 10 क्या है, अस्थायी हैं। इसमें क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके में पार्ट है सुरक्षा परिषद। इसमें क्या कि 5 जो देश हैं वो स्थायी सदस्य हैं, यानी कि उनको कभी निकाला नहीं जा सकता है समझिए, और जो 10 हैं वो अस्थायी होते हैं। अस्थायी का जो है चुनाव जो होता है वो 2-2 वर्ष के लिए होता है, वो 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं हर बार, और जो 5 स्थायी है वो हमेशा रहते हैं, जैसे कि अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन और रूस है। ये पांचों के पांचों जो देश हैं वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और इनके पास क्या है, वीटो शक्ति। जो वीटो शक्ति है वो एक निषेधाधिकार है, ना कि विशेषाधिकार। एक क्वेश्चन आता है कि 1 मार्क का कि वीटो जो है वो निषेधाधिकार है या फिर विशेषाधिकार है, तो वीटो का इस्तेमाल किसमें करते हैं हम, निषेध अधिकार है ये, ठीक है। अब इसके कार्य देख लेते हैं एक बार। देखिए सुरक्षा परिषद के कार्य, विश्व में शांति व सुरक्षा की स्थापना करना, पूरे विश्व में करने में शांति की स्थापना करनी, उसको सुरक्षा की स्थापना करनी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करना तथा जरूरत पड़ने पर सैनिक कार्रवाई करना। यानी कि कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ उसे कहता है कि आप लड़ाई नहीं करना है, फिर भी वो इसकी बात नहीं मानता, तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर सकता है, अपने लिए उसको उसके उस देश के ऊपर सैनिक कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेना। जो सुरक्षा परिषद है उसका काम एक ये भी है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका महासचिव की नियुक्ति करे। जैसे कि अभी का जो महासचिव है हमारे वो एंटोनियो गुटेरस हैं, तो इसकी जो नियुक्ति करी थी किसने करी थी, सुरक्षा परिषद ने करी थी। अगला देखते हैं, अगला है कि यदि कोई देश किसी अन्य देश पर आक्रमण करता है तो सुरक्षा परिषद उसके विरुद्ध आर्थिक व राजनीतिक प्रतिबंध लगा सकता है। इसमें क्या है कि अगर कोई देश है और वो किसी और देश पर आक्रमण करता है और उसमें क्या हुआ कि वो देश नहीं मान रहा सुरक्षा परिषद की बात और वो युद्ध को नहीं रोक रहा, तो वो उस पर क्या लगता है, आर्थिक व राजनीतिक प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई देश है, किसी देश पर उसने हमला किया और संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि आप हमला मत करो, लड़ाई वड़ाई मत करो, और फिर भी उसकी बात नहीं मानते, तो वो क्या करेगा, उस कंट्री के जितने भी देशों से दोस्ती चल रही होती है, चाहे जो भी व्यापार चल रहे होते हैं, उसको वो रोक देता है। उसके बाद क्या है कि सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति का निर्णय लेना। सुरक्षा परिषद का एक काम ये भी होता है कि वो जितने भी 10 अस्थायी सदस्य हैं जो कि 2-2 साल में चेंज होते हैं, उनकी नियुक्ति का काम करता है। उसके बाद है नए सदस्यों को शामिल करना अथवा उनको निष्कासित करना। मोटू इंसान,
इसके अलावा सुरक्षा परिषद का काम ये भी होता है कि नए जो भी देश हैं उसको संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भर्ती करना या फिर उनको निकालने का निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उपलब्धियों का मतलब कि इसने क्या क्या कार्य किए हैं, फिर जो भी इसकी उपलब्धि है उसके बारे में क्वेश्चन अगर आता है तो उसके बारे में क्या लिखना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति को बनाए रखने, युद्ध को रोकने तथा महाशक्ति के बीच टकराव को कम करने में कुछ हद तक सफलता हासिल करी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया है कि जो विश्व में शांति है वो किसकी वजह से, संयुक्त राष्ट्र संघ की वजह से। ये हमेशा देश में शांति बनाने का काम करता है, जो भी दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं उनको रोकने का काम करता है, फिर जो भी महाशक्तियाँ जैसे कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इनके भी जो टकराव चल रहे होते हैं उनको रोकने का काम करता है। इसके अलावा देखते हैं राजनीतिक सफलता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें रूस ईरान विवाद है, कोरिया समस्या है, कांगो समस्या है, स्वेज नहर का संकट है इत्यादि। ये जितनी भी समस्याएं थी उसको सॉल्व करने में संयुक्त राष्ट्र संघ का हाथ देखा जाता है। उसके बाद है निशस्त्रीकरण, यानी कि देखिए निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है देखते हैं। पहले अस्त्र शस्त्र पर नियंत्रण अर्थात हथियारों पर अंकुश लगाना संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए इससे संबंधित समय समय पर प्रयास और सम्मेलन का आयोजन किया है। इसने क्या किया कि बहुत सारे देशों पर रोक लगा रखी है, फिर देशों को बताया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हथियार नहीं बनाना चाहिए, उसको रोकने का जो काम है वो संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर किसी देश के पास ज़्यादा अगर हथियार हो जाएंगे तो वो अपने आप को क्या समझेगा, बहुत ही पावरफुल समझता है, या फिर वो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात नहीं मानता है, फिर किसी देश पर हमला भी कर सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए लेकिन अस्त्रों पर या फिर शस्त्रों पर नियंत्रण करने का जो काम है वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने कर दिखाया है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के फलस्वरूप ही महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि बाहरी अंतरिक्ष का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यानी कि जो हमारे पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष है उसका इस्तेमाल बस किस लिए करना है, हमें सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया है, जो कि एक प्रस्ताव था जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित किया। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के देशों को एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं वे समस्याएं होती है जिसपे जो कि समस्या सभी देशों के लिए होती है, सिर्फ एक देश की नहीं सभी देशों के लिए होती है, तो उसके लिए हम बातचीत कर सकते हैं, फिर दूसरे देशों से सहायता मांग सकते हैं। तो ये भी काम किसने किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अगला था संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया। ये जो है उपलब्धियां हैं किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो एक तरीके से देखा जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी देशों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में तर्क देना है, यानी कि हमें क्या करना है, भारत को अगर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना है, हालांकि अभी पांच ही हैं, छठा ऐड हुआ नहीं है, लेकिन हमें उसको ऐड करना है। मान लीजिए कि हम भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के पक्ष में बोलना है तो हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है कि जो भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है, यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और इसकी जो आर्थिक शक्ति है बहुत ही तेज है या फिर पावरफुल है। अगला था भारतीय परमाणु शक्ति संपन्न एक बड़ी सैन्य ताकत है, भारत के पास परमाणु बम भी हैं। इसके अलावा भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का आरंभ से ही सदस्य है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का आरंभ से ही सदस्य है और नियमित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अपना योगदान देता रहा है। यानी कि भारत जो है जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना है तब से उसका सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट भी देता रहा है। इसके अलावा क्या है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यह मानवाधिकारों का सम्मान करता है। इसके अलावा भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़े देशों में से एक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट बनता है हमारे पे कि भारत अपने भौगोलिक अर्थव्यवस्था और संस्कृति में विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए जितने भी पॉइंट थे वो सब किसके पक्ष में थे कि भारत को स्थायी सदस्यता हम दिला सके। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि बस हमें इसमें इंडिया की पावर बतानी है कि इसने आखिर ऐसा किया क्या क्या है या फिर इंडिया क्या है, इसकी वजह से क्या हो सकता है उसको सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य मान लिया जाएगा। खैर है नहीं देखा जाए तो, क्योंकि बहुत सारे देशों ने इसको स्थायी सदस्य बनाने के विपक्ष में ही वोट किया है। जब भी ये जाता है कभी चीन मना कर देता है, कभी अमेरिका मना कर देता है, और सिर्फ महाशक्तियाँ ही हैं जो स्थायी सदस्य बन पाई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारा सुरक्षा परिषद है उसमें सुधारों की मांग क्यों की जा रही है। सुरक्षा परिषद है उसमें बहुत सारे काम होते रहते हैं। अब उसमें क्या है कि जो लोग हैं या फिर देश हैं उसमें कहते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। अब चेंजेस क्या क्या लाने हैं उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आंसर बन सकता है इसका। कि जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त संघ का महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली अंग है। कैसे छोड़ी यहाँ पे देखिए सदस्य संख्या में वृद्धि, ये पहला जो है चेंजेस लाने को जो देश कह रहे हैं या फिर लोग कह रहे हैं कि इसकी सदस्य संख्या जो है उसको बढ़ानी चाहिए। इसमें क्या है कि जो उसके पांच स्थायी सदस्य हैं ना उसको बढ़ा करके 15 कर देना है और जो अस्थायी कितने हैं 15 हैं उसको कितना कर देना है 24 कर देना है। ये एक चेंज लाना है हमारे किस में, सुरक्षा
परिषद में। दूसरा है कि वीटो की समाप्ति करनी है। वीटो की समाप्ति करने का मतलब ये है कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो शक्ति प्राप्त है, वो इसका इस्तेमाल बहुत अपने फायदे के लिए करते हैं। तो सभी देशों का कहना है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास से क्या ले लेना है, वीटो शक्ति को ख़त्म कर देना। उसके बाद है कि महासभा के प्रति जवाबदेह, यानी कि सुरक्षा परिषद को अधिक से अधिक महासभा के प्रति जवाबदेह बनाना जाना चाहिए। यानी कि देखिए, जो सुरक्षा परिषद है वो जवाब नहीं देता है, कोई भी एक्शन लेता है तो उसके बारे में बताता नहीं कि उसने ऐसा एक्शन क्यों लिया, या फिर उसने कोई किसी देश को निकाला तो क्यों निकाला, ऐड किया तो क्यों किया, तो ये सब चीज़ें वो नहीं करता। तो ये इसको बताने की ज़रूरत है, जो कि चेंजेस में आता है। उसके बाद है सुरक्षा परिषद के कार्यों में वृद्धि, यानी कि जो सुरक्षा परिषद के कार्य हैं उसमें भी थोड़े से बदलाव लाना चाहिए, उसके जो कार्य हैं उसको और बढ़ाना चाहिए। इसमें देखिए क्या क्या है कि अभी तक सुरक्षा परिषद को केवल राजनीतिक कार्य ही दिए जाते हैं, जिससे इसके सदस्य देशों में हमेशा मतभेद होता है। अतः इसमें सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसे आर्थिक सामाजिक कार्य भी देने चाहिए। इसमें क्या करना है, आर्थिक और सामाजिक दो कार्य और बढ़ाना चाहिए, किसमें, सुरक्षा परिषद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का वर्णन करना, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में आखिर उसमें भारत ने क्या क्या किया है ये देखना है, हमें भारत का योगदान बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। तो देखिए, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य है, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब इसका योगदान देख लेते हैं कौन कौन से हैं भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें देखिए क्या है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था और चार्टर पर हस्ताक्षर करके वह इसका प्रारंभिक सदस्य बन गया। भारत की सिफारिश पर चार्टर में मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बिना किसी भेदभाव के अनुसार जोड़ा गया। यानी कि भारत ने किसके ऊपर बात करी थी, मानव अधिकारों पर और मौलिक स्वतंत्रता पर बात करी कि इसमें हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कहता अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना, इसमें क्या है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने शांति प्रयास के लिए अपनी शांति सेनाओं को कोरिया समस्या, स्वेज नहर की समस्या और कांगो संकट में अपनी शांति सेना भेजी है। शांति सेना किसको भेजते हैं, जब किसी देश में कोई लड़ाई वड़ाई हो रही होती है, फिर कोई देश बहुत ही खराब हालत से गुजर रहा होता है, तो उसमें हम अपनी शांति सेनाएं भेजते हैं, तो भारत ने भी ये किया है। इसके अलावा क्या है, रंग भेद की नीति का विरोध, भारत ने रंग भेद की नीति को विश्व शांति के लिए खतरा माना है और इसका विरोध अफ्रीका और एशिया में कर, जैसे कि हम सुनते हैं दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति उसको समाप्त किया गया था, तो उसमें गांधी जी की भी भूमिका देखी जाती है, नेल्सन मंडेला की भूमिका देखी जाती है, और भारत भी इस नीति का विरोध करता है कि हमें रंग के आधार पर लोगों में या फिर मनुष्य में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला था इसमें कि निशस्त्रीकरण का प्रयास, भारत ने सदैव निशस्त्रीकरण की नीति का पालन किया है और इसका मानना है कि अणुशक्ति का प्रयोग केवल मानव कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, ना कि अपने बल प्रयोग के लिए। देखिए, जितने इसका कहने का मतलब ये था कि अगर आप कोई भी मतलब परमाणु बम बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पावरफुल हो गए, आप किसी देश पर अटैक करें, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को बस कैपेबल बनाइए कि आपके ऊपर कोई जो देश है वो अटैक करने से पहले सोचे। बस इसका जो परमाणु हथियार बनाने का उद्देश्य था वो सिर्फ शांति के लिए था। अगला था मानवाधिकारों की रक्षा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर मानवाधिकार के रक्षा के प्रयासों किए हैं ताकि विश्व में शांति की स्थापना की जा सके। भारत ने क्या किया कि पूरे विश्व में या फिर मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के मिलकर के उसने मानव के अधिकारों की रक्षा का प्रयास किया ताकि क्या हो सके, विश्व में शांति की स्थापना की जा सके। लास्ट है इसमें पर्यावरण की रक्षा हेतु प्रयास, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित पर्यावरण रक्षा से संबंधित सम्मेलन में भाग लिया और पर्यावरण के लिए जागरूकता अभियान में उसके साथ मिलकर कार्य किया ताकि विश्व स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। देखिए, जो पर्यावरण है आज के समय में बहुत ही एक प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है वो नष्ट हो चुका है, उसको बचाने के लिए बहुत सारे जो देश है वो आगे बढ़े, तो उसमें भारत भी है जो कि अपने पर्यावरण को बचाने में आगे बढ़ा है। तो यही है इस चैप्टर के अंदर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ऊपर है।